नाउ वी आर कमिंग इन द कॉन्सेप्ट नंबर एट, एंड कॉन्सेप्ट नंबर एट है स्केलेन एंगल, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम आते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। Each angle is less than 90 degree. हर एक एंगल 90 से छोटा। Each angle equal to less than 90 degree is called acute angle triangle. क्लास के बीच में हम एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। यह है कि मैथमेटिक्स इज विदाउट थ्योरी इज स्टेराइल। मैथमेटिक्स इज विदाउट थ्योरी इज स्टेराइल। फिर से बोल रहा हूं केजरी भाई, अगेन एंड अगेन, मैथमेटिक्स विदाउट थ्योरी इज स्टेराइल। बिना थ्योरी के मैथमेटिक्स स्टेराइल है, अनफर्टिलाइज, अनफर्टाइल है, नपुंसक है। जैसे हमारा थॉट्स इन दिनों नपुंसक होते जा रहा है फ्री के चक्कर में। हर सरकार आती है फ्री में ये ले लो, फ्री में ये ले लो, फ्री में ये ले लो। फ्री में क्या मिलता है? फ्री में सिर्फ भगवान का दिया हुआ, नेचर का दिया हुआ चीज ही मिल सकता है, बाकी फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो थॉट्स बिकम नपुंसक, आवर थॉट्स बिकम ब्लंट बिकॉज ऑफ फ्री। मैं बार बार कहता हूं एजुकेशन को पॉलिटिक्स से जोड़ना है, मैथमेटिक्स को पॉलिटिक्स से जोड़ना है। नहीं जोड़ोगे तो तुम बहुत बड़ा साइंटिस्ट होकर भी नौकर बनकर रह जाओगे, अगर नहीं जोड़ोगे तो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन होकर भी नौकर बनकर रह जाओगे और फ्री के चक्कर में हिजड़े और नपुंसक बन जाओगे। फ्री कुछ नहीं होता। हर गवर्नमेंट इस समय इंडिया को नपुंसक बनाने में लगी हुई है, हर गवर्नमेंट इस समय इंडिया को नपुंसक बनाने में लगी हुई है फ्री देकर। मर्द लोग फ्री नहीं लिया करते, 4 घंटा वेट करते हैं 10 रुपया फ्री के चक्कर में बस पर बैठने के लिए दिल्ली में, और 2-2 घंटा वेट करते हैं। बेरोजगारी है, वेट करते हैं। बेरोजगारी क्यों है? बहुत सारे मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स ग्रेजुएट गार्ड की ड्यूटी करते हैं, बेरोजगारी होगी ना। जानो यही कोमल ब्रेन है, इसी समय बीज डाल दो पॉलिटिक्स का। इंडिया में इस समय पॉलिटिक्सियन की रिक्वायरमेंट है और हर लोगों को यह सच्चाई जाननी होगी कि जो भी फ्री में लेगा वो नपुंसक है यह जान ले, वो हिजड़ा है यह जान ले। फ्री में एजुकेशन दिया जा सकता है, सिर्फ एजुकेशन, और बाकी यूजेस के चीजें फ्री में देना नपुंसक। फ्री में हेल्थ दिया जाएगा, बीमारी का इलाज हो सकता है। अरे बिजली पानी खाना फ्री में जो गवर्नमेंट दे रही है वो गवर्नमेंट भी नपुंसक है, वो गवर्नमेंट भी हिजड़ा हो सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो। यह मेरा अपना थॉट्स है और चाणक्य भी यही कहते हैं कि जिस देश की जनता फ्री के चक्कर में अपने राजा को चुनता है वह देश की जनता भिखमंगा हो सकता है, नपुंसक हो सकता है, हिजड़ा हो सकता है, कामचोर हो सकता है। फ्री कुछ नहीं होता, बार बार मैं बोल रहा हूं फ्री में के चक्कर में मत जाना। अपने घर में लोगों को बोलो कि जो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है वो आपकी नपुंसकता को छीन रही है, वो आपकी मेहनत को छीन रही है, वो आपको गरीबी की ओर ले जा रही है। फ्री में क्या अपने बाप के घर से दे रहा है? इसलिए इसका टाइटल होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड फ्री पॉलिटिक्स। हमें
पढ़ाने के साथ साथ पॉलिटिकल जागरूक करना है। कुछ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स बोल रहे हैं तुम पढ़ाते कम हो, पॉलिटिक्स ज्यादा करते हो। हम कह लिए यस, करना पड़ता है, क्योंकि तुम तब ही पढ़ पाओगे जब यहां की पॉलिटिक्स हेल्दी होगा। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे खान पान, तुम्हारे रहन सहन, तुम्हारा एजुकेशन सब पॉलिटिक्स निर्धारित करता है। देश की जनता निर्धारित, देश का राजा निर्धारित करता है। राजा कामचोर नहीं होना चाहिए। राजा के ब्रेन में अगर फ्री का कॉन्सेप्ट आया, हम फ्री को देकर जीत जाएंगे, उसमें हिजड़ापन का गुण है। मैं ये बता रहा हूं, वो अंदर से हिजड़ा है, अंदर से कामचोर है। फिर बता रहा हूं, बार बार इस बात को हम फोकस करता हूं कि जो गवर्नमेंट, जो पार्टियां कह रही है कि हमें फ्री देना है, मानो वो कामचोर है। फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, हजारों बार, और तुमको जानना पड़ेगा और तुम्हें चेंज लाना पड़ेगा। तुम देश के भविष्य को कब तक बैठोगे? तुम्हें जागना होगा, जगाना होगा, लोगों में चिंगारियां भरनी होगी, तभी गरीबी दूर होगा। अरे फ्री के चक्कर में तुम राजा बन सकते हो, देश को जगा नहीं सकते। जो चीजें तुम यूज करते हो उसका दो देना होगा। तुम जिस पैसे से फ्री में दे रहे हो, उससे देश का कंट्री, देश का बैकबोन ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो। कौन रोका है, किसने रोका है? शिक्षा को जागना होगा, जगाना होगा। शिक्षक ही देश का भविष्य है। शिक्षक को आज तुम नौकरों जैसा काम लेते हो, जनगणना में भेज देते हो, सैलरी कम है, नियुक्ति तुम नहीं करते, स्थिति खराब है, नो रेस्पेक्ट एट ऑल, एजुकेशन सिस्टम पूरा स्क्वायर्ड है, हर घर में इंस्टीट्यूट है, हर घर में कोचिंग खुला हुआ है, कैसी बातें करते हो? अब तुम नहीं जीतते हो, गवर्नमेंट बनाने की इच्छा हो रही है, फ्री में दे दो। अरे नपुंसक लेने वाले, फ्री में बिजली बिल, जब फ्री में बिजली बिल नहीं था, हम बिजली बिल 6 रुपए देते थे, आज हम बिजली बिल 9 रुपए दे रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि फ्री वालों को मैं खिला रहा हूं, हम लोग जैसे लोग जो 9 रुपए बिजली बिल दे रहे हैं, 10 रुपए बिजली बिल भर रहे हैं। हद हो गई यार, उठो मेरे देश के भविष्य, उठो, इन हिजड़ों को फेंको, इन फ्री के गवर्नमेंट को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो भी फ्री में बिजली पानी और खाने की बात करे, मानो वो हिजड़ा है, वो हिजड़े की गवर्नमेंट है। वो सिर्फ लुभावना वादा देकर स्लम में लोगों को धकेलना चाहती है। नौयुवकों उठो, आज देश का भविष्य अधर में है। मैं तुम्हें आवाहन करता हूं, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें जागना होगा और देश को बदलना होगा। टीचर का काम आज बहुत बड़ा है, आज भविष्य, देश का भविष्य खतरे में है। सभी पार्टियां फ्री के चक्कर में दे देकर देश के भविष्य को बर्बाद कर रही है। उठो, जागो, जगा रहा हूं मैं। कब तक फ्री के चक्कर में दोगे? 200 यूनिट बिजली बिल, कुछ लीटर पानी के चक्कर में कब तक किसी को भी वोट दे दोगे? नहीं, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें अपने पौरुष को पहचानना होगा। मैं तुम में से देखना चाहता हूं, कोई पीएम हो जाए, कोई डीएम हो जाए, कोई सीएम हो जाए, उठो, जागो और देखो। यहां स्केलन ट्रायंगल हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं रुकने वाला नहीं, मैं जगाने आया हूं, और खासकर शिक्षक समुदाय को जागना होगा, उन्हें रिवोल्ट करना होगा, उन्हें एकता लानी होगी। अब आपका भार, देश का भार शिक्षक के कंधों पर है। शिक्षक को आज नौकर बनाकर छोड़ दिया है, कुछ पैसे के लिए डोलाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब दे देता है। अरे जो देश का भविष्य है,
उसके साथ तुम ऐसा खिलवाड़ करते हो। तुम एमपी हो, एमएलए हो, लाखों रुपया ले रहे हो, क्यों? शिक्षा को दो, शिक्षक जब जागेगा तो अपने आप देश में सारी बुराइयां खत्म होगी, बलात्कार घटेंगे, रेप घटेंगे, बेविचार घटेगा, चोरी घटेगी, डकैती घटेगा। शिक्षक स्टूडेंट में मोरल वैल्यूज भरेगा। लेकिन आज जब रोना आता है, आज रोना आता है जब हम देखते हैं बेचारा शिक्षक टीचर प्राइवेट स्कूल में धक्का खाता है, 20,000 सैलरी मिलती है, 15,000 मिलती है, 5,000 मिलती है, 2,000 मिलती है। अरे उससे बेहतर तो मेड है जो घरों में काम कर कर पैसा कमाती है। शिक्षक में एकता नहीं है। शिक्षक चाहेगा तो यहां की सरकार को बदल सकता है, शिक्षक चाहेगा यहां की सरकार को झुका सकता है। शिक्षक में एकता होनी चाहिए, शिक्षक को जागरूक होना होगा, उसे इकट्ठा होकर लड़ना होगा। और लोगों में आज जो हीनता फ्री के चक्कर में ब्लंट हुआ है, बुद्धि भ्रष्ट हुई है, शिक्षक को लड़ना होगा अपने अधिकारों के लिए, और वही देश के भविष्य को निर्धारित कर सकता है। नहीं तो ऐसे ही झूठे, निकम्मे, लुच्चे, डेली झूठ बोलने वाला नेता पैदा होगा, और वो अपने कुर्सी के लिए, अपने नाम के लिए, अपने विचारों को थोपने के लिए तुम्हें बरगलाएगा। इस बात को तुम मान लो। और मैं क्यों बोल रहा हूं, टेंथ के स्टूडेंट के सामने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है। इस एज में यही फाउंडेशन भरेगा, और ये वीडियो शिक्षक भी देखेंगे और उन्हें जागना होगा। मैं नहीं कहता किसी का फॉलोअर बन जाओ, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आज का नेस्टी ट्रूथ क्या है। आज लोग, आज हमारा समाज अंधेरे की ओर जा रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार है सोसाइटी में शिक्षक का रिस्पेक्ट न होना। कोई गार्जियन नहीं कहता बेटा बड़ा होकर शिक्षक बनना, टीचर बनना, क्योंकि उसकी अवहेलना होती है। बोलने के लिए बहुत है, जगाने के लिए बहुत बातें हैं। मैं धीरे धीरे लोगों के बीच बातें पहुंचाऊंगा, चाहे मीडियम जो भी हो, इसके खामियाजा जो भी हो, लेकिन आप लोग मेरे साथ हैं। अ स्टूडेंट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। उसे ताकतवर बनना होगा, उसे स्वामी विवेकानंद को फॉलो अप करना होगा। हो, आई फॉरगेट, कम इन द स्केलिंग एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पता नहीं मैं स्केलिन स्केलिन में क्यों भाग रहा हूं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री। एंगल ए इज लेस देन 90, एंगल बी इज लेस देन 90, एंगल सी इज लेस देन 90, और यहां पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमारा पेरीमीटर है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा पेरीमीटर है। पेरीमीटर इक्वल टू, जिसका भी पेरीमीटर फाइंड करना है, मैं बार बार इस बार को बात को रिपीट कर रहा हूं कि जिसका भी पेरीमीटर फाइंड करना है, जिसका भी पेरीमीटर फाइंड करना है, उसमें हम ऐड करेंगे ऑल एजेस को, ऐड कर देंगे ऑल एजेस को, ऐड करेंगे जिसमें भी पेरीमीटर फाइंड करना है। वी हैव टू ऐड ऑल द एजेस, ठीक है। और इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया, एरिया फाइंड, एरिया फाइंड एरिया बाय यूजिंग, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला।
फाइंड एरिया बाय यूजिंग ह्यून्स फॉर्मूला। फाइंड एरिया बाय यूजिंग ह्यून्स फॉर्मूला एस इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू एंड एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये एरिया जो हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, पिछले क्लास में एक्सप्लेन किए थे, क्लियर। ह्यून्स फॉर्मूला यूज करना है अगर साइड दिया रहेगा तब, साइड दिया रहेगा तब, जैसे हमने पिछले 6, 7, 8 मैंने लिया था और फिर वही एग्जांपल मैंने साइड का लिया, क्लियर। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास आफ्टर 2 मिनट्स, ओके। के जरूर ठीक है ना उधर।